हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 9 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, यदि आपने डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही मैं आपका अनअकैडमी पर एजुकेटर भी हूँ और अनअकैडमी पर मेरे द्वारा यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। डॉक्टर असाफ सईद प्रेजेंटली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सिलेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरबिया। द इंडियन फॉरियन सर्विस ऑफिसर ऑफ द 1989 बैच सईद विल सक्सीड अहमद जावेद हु हैड बीन सर्विंग एज एनवॉय टू सऊदी अरबिया सिंस दिसंबर 2015। वर्तमान में सेशेल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर असाफ सईद को सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सईद दिसंबर 2015 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में सेवा कर अहमद जावेद का स्थान लेंगे। नेक्स्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप पुरी हैज लॉन्च्ड ए ई दृष्टि ऐप वेयर ऑल द 3 मॉड्यूल्स कंजर्वेशन सब्स्टिट्यूशन एंड म्यूटेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज हैव बीन मेड ऑनलाइन। द पेमेंट सिस्टम इन लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस LNDO हैज बीन आल्सो बीन कम्प्लीटली डिजिटाइज। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है, जिसमें तीनों मॉड्यूल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन से जुड़े परिवर्तन को ऑनलाइन किया गया है। भूमि और विकास कार्यालय LNDO में भुगतान प्रणाली को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंटर्ड इनटू एन MOU एम्ड एट इम्प्रूविंग वुमेन लाइवलीहुड एंड एम्पावरिंग देम थ्रू स्किल डेवलपमेंट। द MOU वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ श्रीमती मेनका संजय गांधी मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड श्री धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने और उन्हें कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। श्रीमती मेनका संजय गांधी मंत्री महिला और बाल विकास और श्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड फूड एक्सपर्ट पद्मा लक्ष्मी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एज इट्स न्यूएस्ट गुडविल एम्बेसडर सपोर्टिंग द एजेंसीज फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अराउंड द वर्ल्ड। UNDP अनाउंस्ड लक्ष्मीज अपॉइंटमेंट ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व और खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, जो दुनिया भर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ एजेंसी की लड़ाई का समर्थन करता है। UNDP ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर लक्ष्मी की नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं रेजिग्नेशन इस्तीफों की। मिजोरम गवर्नर कुम्मनम राजशेखरन स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट। गवर्नर ऑफ आसाम प्रोफेसर जगदीश मुखी हैज बीन गिवन टेम्परेरी चार्ज ऑफ द आइजोल राजभवन। मिस्टर राजशेखरन
who was former state president of the BJP in Kerala, has been sworn in as governor of Mizoram in May 2018. Mizoram ke Rajyapal Kummanam Rajasekharan apne pad se istifa de diya hai. असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को आइजोल राजभवन का अस्थायी प्रभार दिया गया है। केरल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजशेखरन ने मई 2018 में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज अवार्ड्स पुरस्कार। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज बींग ऑब्जर्व ऑन 8 मार्च। गवर्नमेंट एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑब्जर्व द डे on the 8th of March every year to highlight the achievement of women. The theme for this year's Women's Day is Think Equal, Build Smart, Innovate for Change. 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को यह दिवस मनाते हैं। इस वर्ष के महिला दिवस का विषय है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें। यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।